भारत की 10 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां, पैसा, रुतबा और सुविधाएं भरपूर। 1 IAS IAS को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाती है, जो कि शुरुआत में 56100 रुपए महीने होती है। इसके अलावा यात्रा, स्वास्थ्य, आवास सहित कई तरह के भत्तों का भी पैसा दिया जाता है। 2 IPS को शुरुआत में 56100 रुपए महीने की सैलरी दी जाती है। हालांकि कुछ ही महीनों बाद सैलरी 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। यात्रा, स्वास्थ्य, आवास सहित अन्य भत्ते भी शामिल हैं। 3 RBI ग्रेड ब बैंकिंग के RBI ग्रेड बी में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को मोटी सैलरी मिलती है। RBI ग्रेड बी के तहत चयनितों को 67000 रुपए शुरुआती सैलरी दी जाती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IAS की तरह IFS को भी शुरुआत में 56100 रुपए महीने की सैलरी दी जाती है। साथ ही यात्रा, स्वास्थ्य, आवास सहित कई तरह के भत्तों का भी पैसा दिया जाता है। सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट पदों पर चयन के लिए UPSC के तहत NDA, CDS, FCAT आदि परीक्षा आयोजित की जाती है। एक लेफ्टिनेंट की शुरुआती सैलरी 68000 रुपए होती है, वहीं मेजर बनने पर सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है। इसरो और डीआरडीओ में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मोटी सैलरी मिलती है। जानकारी के मुताबिक इन्हें शुरुआत में 60000 रुपए तक सैलरी मिलती है। PSU यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी करने पर मोटी सैलरी मिलती है। PSU में चयनित इंजीनियरों को शुरुआती 60000 रुपए की सैलरी दी जाती है। प्रोफेसर्स, विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और लेक्चरर को शुरुआती सैलरी 50000 के करीब दी जाती है। बाद में यह लाख रुपए से ऊपर हो जाती है। देश में जज यानी न्यायाधीश की सैलरी भी मोटी होती है। हाई कोर्ट के एक जज को हर माह 2,25,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को 2.50 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।